नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो डिप्रेशन एक चीज जिसको कभी कभी नेगलेक्ट किया जाता है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत सर जी, दिस इशू हैज रियली रियली बिकम वेरी प्रोमिनेंट। कि हाँ, इसको जितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए उतना इंपॉर्टेंस वापस मिल रहा है। तो कैसे डिप्रेशन से बाहर आ जाए, हाउ टू फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेशन में हो या फिर आपके किसी दोस्त डिप्रेशन में, तो जरूर ये वीडियो एंड तक देखते रह जाएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जरूर अगर आपको अच्छा लगे। शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को दोस्त हम नॉर्मली तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है द पॉसिबल कॉजेस, नंबर टू द डूज, एंड नंबर थ्री द डोंट्स। पॉसिबल कॉजेस नॉर्मली मैं जितना समझ सकता हूं दोस्त, ठीक है, देखो मैं ये पूरा कहानी बता रहा हूँ डिप्रेशन के बारे में, जितना मेरी पर्टिकुलर समझ है, मेरे कुछ सीनियर्स, मेरे कुछ दोस्त जो डिप्रेशन में थे उनसे मैं बात कर चुका हूँ, बात करके जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ डिप्रेशन में जाते हुए, बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर चुका हूँ डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला, मतलब क्या उनसे एक्सपीरियंस में सीख चुका हूँ, दैट थिंग। सो फर्स्टली द कॉजेस मेनली दोस्त, अगर आपके एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, ये दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है ना, आप मानो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर ली और रियलिटी आए बहुत कम। नॉर्मली एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, ये दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन बेटा वहीं से स्टार्ट होता है। या फिर आप अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज के बारे में, क्या है यार, एक ही चीज के बारे में सोचते जा रहे हो, जो कि जरूरत की नहीं, यू कैन ऑल्सो फील डिप्रेस्ड। एंड थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप एकदम बैठे हो ऐसे ही, तभी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा आता है ना दिमाग में, भाई डिप्रेस्ड हो जाते हैं भाई लोग। सोशल मीडिया कब तुम करोगे, सोशल मीडिया के लिए बहुत सारा टाइम कब निकाल पाओगे भाई तुम, जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ ढंग का चीज़ है नहीं, अच्छा चीज़ है नहीं कुछ, तभी तुम चलोगे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ये वो करने के लिए पता नहीं क्या क्या। तो क्या बेसिकली करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फर्स्टली डूज में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आपको करना चाहिए बेसिकली, फर्स्टली यू हैव टू टॉक। ये वाला टॉक नहीं दोस्त, किसी के साथ मैसेज में बात करना वो नहीं, लोगों के साथ बात करो, कॉल पे बात करो, बेटर देन मैसेजिंग। कोई सामने है आपके घर में कोई है तो डेफिनेट उनके साथ बातें किया करो, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर थॉट्स। नॉट आई नो दैट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू शेयर एवरीथिंग विद एल्डर्स, तुम्हारे कोई ना कोई तो दोस्त होगा, कॉल लगाओ, बातें करो यार, बातें करके सुलझाने की कोशिश करो चीज़ें, मतलब है कि जो तुम्हारे अंदर मानो कुछ चल रहा है भयंकर सा चीज़ें, आप किसी दोस्त के साथ बातें कर ली। ऐसे मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, तो बहुत सारे लोग पता नहीं कॉल करके ऐसे बोल रहे, पता नहीं क्या क्या वो सोचने लगे थे, ये ख़त्म हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, उसके बाद थोड़े से बात कर लिए, फिर बोले अच्छा यार वैसे सोच रहे थे, अरे यार मैं खामा का ऐसे सोच रहा था, पता नहीं। तो चीज़ें बहुत लाइट हो जाती है। कुछ दोस्त, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे होंगे ना, हम डिप्रेशन के, और एक तो मेन वजह पता है क्या है, जब तुम खुद फील करते हो कि यू नो लाइक यू आर वेरी मच इन्फीरियर टू द अदर पीपल, तुम बहुत कमज़ोर हो किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तुम कमज़ोर हो लोगों से, बाकी लोगों से, तो डिप्रेशन और चकड़ के बैठता है। तो कोई ना कोई लोग डेफिनेटली तुम्हारे लिए होगा जो तुम्हें स्पेशल फील करवाएगा, एंड एवरी सिंगल पर्सन, ट्रस्ट मी दिस, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स टू फील स्पेशल, वो कोई भी हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है ये, और ये इंसान का धर्म है कि आपको कोई प्यार दे, कोई आपको स्पेशल फील करवाए, गॉट माई पॉइंट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कोई ना कोई डेफिनेटली होगा, आपके घर वाले हो, आपके कोई दोस्त हो, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो, देयर विल बी डेफिनेटली सम पर्सन, नंबर वन, तो उनके साथ बात। नंबर टू, अभी दोस्ती लॉकडाउन का मौसम है ना, सभी डिप्रेस्ड है, थोड़ा बहुत या ज्यादा, सभी डिप्रेस्ड है। क्यों? मैं पहले ही बताया, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, कोई भी एक क्या एक्सपेक्ट किया था कि भैया ऐसे हो जाएगा, यू नो 6 महीने 7 महीने तक हम घर में, 6 महीने तो हो ही गया, 6 महीने 7 महीने, हम 5 6 महीने जो भी हो घर में बैठे, हम कोई एक्सपेक्ट किया था नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि हम इसमें ये करेंगे वो करेंगे, डेफिनेटली सबका कुछ अपना अपना प्लान था, किसी को पढ़ाई पूरी करनी थी, डिग्री वॉट एवर, किसी को जॉब, तो सारे प्लान्स अचानक रुक गए ना, तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में बहुत सारा फर्क आ गया, डिप्रेस्ड, सभी डिप्रेस्ड लॉकडाउन, ऊपर से लोगों के मिलने का भी उपाय नहीं है, लोगों से मिलने का भी उपाय नहीं है कोई, कि चलो किसी के साथ मिल रहे हैं, किसी के साथ मिलकर थोड़ा बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी चीज़ें, ऐसे भी कोई उपाय नहीं है, तो और ज़्यादा डिप्रेशन आके जकड़ के बैठना। तो इसमें मेरा एक छोटा सा सोल्यूशन रहेगा दोस्त, मान के देखो कुछ दिन आप मान के देखो, अगर मानो कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है आपके पास, ये नहीं है, किसी के साथ बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो आप, थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताना प्रैक्टिस करो, खुद के साथ मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ, खुद के साथ डजंट मीन विद द फोन यू आर हैविंग, दैट डजंट एट ऑल मीन खुद के साथ, वहां पे तुम और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, तो पता क्यों, तुम देखते हो लोगों को, चारों लोगों को देखते हो, कोई फेसबुक में, कोई व्हाट्सएप के स्टेटस में, कोई इंस्टाग्राम में, सब तुम्हारे लिए यू नो भयंकर भयंकर सब चीज़ें चीज़ों की तरह अपीयर होने लगता है, अरे यार वो इतना खुश है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे यार मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो वेन एवर यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ कंपैरिजन ना, जब भी तुम ये कंपैरिजन ड्रॉ करने लगते हो, कह रहे चलो वो ये है मैं ये हूँ, तभी तुम डिप्रेस होने लगते हो, तभी तुम एक बार सोच के देखो, तुम अगर कंपेयर नहीं करोगे किसी के साथ तुम्हारा अगर तुम कंपेयर नहीं करोगे तो तुम डिप्रेस नहीं हो, दिस वन पार्ट ऑफ डिप्रेशन, अदर पार्ट मैंने आपको बताया कि वो रियलिटी एंड योर इमेजिनेशन दोनों के बीच में, वो एक पार्ट है, और दूसरे पार्ट में ये बता रहा हूँ, दूसरा रीजन जो हो सकता है, चूंकि कंपैरिजन, आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगते हो सबके साथ, क्या अरे उसका ये हुआ मेरा तो ये नहीं हुआ, अरे हुआ तो हुआ भाई, तुम्हारा भी होगा कभी, और खुद के साथ मैं बता रहा हूँ बार बार, खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करो, ट्राई टू गो इन टू योर सेल्फ, आप खुद के अंदर झांको, थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताओ, मैं बार बार पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, थोड़ा दोस्त खुद को लेकर एनालाइज करो, तुम कभी नहीं करते हो, तुम बताओ ना दिन में तुम कितना वक्त खुद के साथ बिताते हो, ये मोबाइल में लेके खुद के साथ बिताना, नो नॉट एट ऑल, वहाँ पे आप वर्चुअली पूरे दुनिया के साथ, वर्चुअली राइट, वर्चुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इट इज, फेसबुक बोलो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वट एवर, वर्चुअली आप पूरे दुनिया के साथ, लेकिन खुद के साथ आप कितने वक्त रहते हो। स्वामी विवेकानंद, आप लोगों ने डेफिनेटली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस ग्रेट मैन, उनका एक लाइन था, ऐसे एक कोट था, मैं देख रहा था उस दिन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, कि स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ एवरी डे, अदरवाइज यू विल मिस मीटिंग एन एक्सलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। कितना खूबसूरत तरीके से देखो उन्होंने बताया कि भाई अपने के साथ, अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करो, अदरवाइज तुम्हें बहुत ही खूबसूरत इंसान के साथ वक्त बिताना मिस कर दोगे, वो चांस अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी आपकी। हम करते ही नहीं है कभी, खुद के साथ वक्त बिताते ही नहीं है, ये सोशल मीडिया वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है इंसान को, बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है। तुम मानो चारों ओर देख रहे हो न्यूज़, ये वो पता नहीं खतरनाक सब चीज़ें देख रहे हो, वो देख कर और दिमाग में इफेक्ट हो रहा है आपके, अरे अरे ये क्या क्या डिप्रेशन कर सकते, देखो कर कुछ दिन खुद के साथ बिताओ, ठीक है। और जो डोंट्स के बारे में बात है, डोंट्स के बारे में बात ये है दोस्त कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन के लिए, मेरे जो बहुत सारे दोस्त से मैं सुन चुका हूँ ये कि वो डिप्रेशन की जो दवाइयाँ है, किसी के साथ बात करने के बाद ही एक्चुअली वो दवाइयाँ लेने शुरू करते हैं, दवाइयाँ टू सम एक्सटेंट इट इज़ हेल्पफुल, डेफिनेटली मुझे मालूम है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो मेरे दोस्तों के साथ मैं मतलब सुन के, या फिर मेरे सीनियर्स कुछ लोग थे जिनसे एक्सपीरियंस मतलब सुन के मुझे ये लगा दोस्त कि दवाइयों से कभी कभी तुम हाईली एनर्जेटिक फील करते हो, सब कुछ बहुत बहुत पॉजिटिव अचानक से फील करने लगते हो ना, अचानक एक वाइब आ जाती है तुम्हारे अंदर, चलो यार बहुत ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिविटी आ गई, उसमें गड़बड़ तो बेटा और ज़्यादा होने वाला है, तुम खुद सोचो कि तुम
मानो कि जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो अचानक से, तो गड़बड़ ज्यादा होता है कम होता है, खुद सोचो। तो मानो वो बहुत खुशी के मारे तुम और कुछ गड़बड़ करके बैठे और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, समझना है। तो दवाइयां लेने से पहले अगर काम सिर्फ बातों बातों में हो जा रहा है, कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी साइकियाट्रिस्ट, जो भी हो, कोई देखो अचानक लोगों के साथ ऐसे बन जाता है, चलो चलो डॉक्टर दिखा, डॉक्टर 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 दिखाना। अरे भैया कौन है होते वो डॉक्टर? वो वही होते हैं जो तुम्हारे साथ बातें करते थोड़ा, यही ना। उसके बाद है दवाइयाँ वाला पार्ट, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सो टू शेयर विद समवन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट माई पॉइंट, ठीक है। और स्पेशली दिस इज माई मैसेज टू ऑल दोज पेरेंट्स। कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, या फिर कुछ कुछ जो घर वाले तो रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, मानो किसी कोई एक बंदा डिप्रेशन में है, ठीक है, तो उसी के रिलेटिव्स या फिर उसी के घर वाले, उसी के पेरेंट्स कुछ कुछ केसेस में ऐसे होते हैं, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हिम, मानो वो कोई आए घर में तो बोले ये पता है वो डिप्रेशन में, पता है वो डिप्रेशन में। अरे यार उसके कानों के सामने अगर बार बार तुम बोलोगे कि भैया वो डिप्रेशन में है, तो भैया वो अगर डिप्रेशन से बाहर भी आना चाह रहा था तो फिर से वो डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर से वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो डोंट डू दिस फुलिश थिंग्स, डोंट डू दिस फुलिश थिंग्स। बहुत सारे केस में ये दिख चुका हूं, जिसमें केसेस और सुधरने का चांसेस था, अपॉर्चुनिटीज था, उसके अगेंस्ट कुछ और दूसरा मतलब फालतू सा केस हो जाता है। वो बंदा जो कि डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, अगर तुम्हारे तुमसे कान कान बार बार डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, तो वो बेचारा और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। सो डोंट एवर डू दिस थिंग्स। और दवाइयाँ अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में आप मत लो, आप मत लो, समझना है। तो आप डेली जो भी कर सकते हो, मेडिटेशन करो, जो भी करो, वॉट एवर यू डू, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो। बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ दोस्त, बार बार बता रहा हूँ। और सेटअप स्मॉल गोल्स, जो मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ आपको, सेटअप स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल सेटअप करो, ताकि आप उसको अचीव कर पाओ आसानी के साथ खुद के लिए। जैसे आप अचीव कर पाओगे, तो आपकी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क कम होते जाएगा। आप सोच रहे हो अरे ये तो मैं गोल सेटअप कर रहा हूँ, आज के लिए मैं इतना पढ़ूंगा या फिर जो भी करूंगा, जो भी वट एवर योर टास्क इज, तो तुम उसी को उसी दिन में फिनिश कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपका जो इमेजिनेशन था, आपका जो डिजायर था, वह फुलफिल कर पा रहे हो, तो डिप्रेशन आने के चांसेस है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कीप ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी। कहीं पे कहावत है दोस्त कि द बिजिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पता है क्यों? क्योंकि जब आप अकेले अकेले रहते हो ना, तो ये ओवर थिंकिंग वाला प्रोसेस चालू हो जाता है। जब आपके पास कोई काम नहीं होते, आप अगर आपका कोई गोल अगर फिक्स नहीं होता है कि ये है मेरा गोल, ये है मेरा पाथ टूवर्ड्स द सक्सेस, तो आप ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हो। सारे लोग मिलकर रहो, पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगते हैं आपके अंदर। तो आपकी अगर ये चीज डेफिनेट है ना बेटा, ये चीज अगर डेफिनेट है तुम्हारे कि ये है मेरा गोल, ये है मेरा रास्ता और ये है मेरा काम, ट्राई टू कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड बिजी, नॉट टू सोशल मीडिया, ओके। तो अगर आप ये करोगे डेफिनेटली, कोई बुक्स पढ़ो, कोई कुछ भी करो, ऐसे ऐसे चीजों में एक्टिव रहो जहां पे आप खुद के साथ वक्त बिता रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? बार बार। सो इन दिस वे आई थिंक यू कैन हेल्प टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। अगर आप खुद डिप्रेस्ड हो, मुझे पता है कि ये बहुत ही एक वैलिड सा टॉपिक है। अभी फिलहाल बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि यार सर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाता हूँ यार, कि इतना इतना सारी चीज़ें मुझे पढ़ना है, पता नहीं मैं हो पाऊँ। पहले ही तुम सोचने लगते हो रिजल्ट के बारे में। पहले तुम फोकस करो ना कि मैं आज इतना करूँगा। देख लो ना, तुम्हारा एक साल बाद मानो एग्जाम है, तुम अभी से 6 महीने बाद एग्जाम है, गेट के बारे में बात कर रहा था, 6 महीने बाद एग्जाम है, अभी से कुछ लोग बोल रहे हैं यार सर पता नहीं क्या है। अरे तुम ये करो कि आज मानो कि जो भी है तारीख है, सोमवार है, मंगलवार है, चलो बुधवार तक मैं ये काम करूंगा, ये करो भाई। तुम ये मत सोचो कि 6 महीने बाद तुम क्या करने वाले हो, वो अपने आप होगा। तुम सीढ़ी में डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते हो ना एकदम ऊपर, सीढ़ी में चढ़ के जाना है। तो सेट अप स्मॉल गोल्स, दैट्स द पॉइंट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। तो होप यू वीडियोज दिस वीडियो यू विल लाइक डेफिनेटली। मेरे व्यूज कैसा लगा, कोई अगर नया व्यू अगर आप देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो, चैनल में नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब बटन तो दबा ही लेना भाई, और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ.